जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जी हाँ, अगर आप थंबनेल देखकर इस वीडियो में आए हैं तो आप जानना चाहते हैं कि आईटीआई वालों की बल्ले बल्ले कैसे हो गई है। जी हाँ बिल्कुल, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आईटीआई वालों की कैसे आने वाले दिनों में रेलवे की तरफ से बल्ले बल्ले होने वाली है, और उसका जस्ट अपोजिट कि जो 10th पास ओनली फॉर्म को भरकर अपनी बल्ले बल्ले कर लेते थे, वो कैसे अब बल्ले बल्ले नहीं कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। एक तो जो भर्ती आने का एक या नई उम्मीद कह लीजिए, या दूसरा बात जो हम लोग करने वाले हैं वो है जो रिसेंटली अभी आपने देखा डीवी लिस्ट आई हुई है, लास्ट जो प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट था उसकी, तो उन दोनों पर हम बात करने वाले हैं। कैसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है बच्चों को, और कैसे हमको एक झुंझुना टाइप का बच्चों को दे दिया जाता है ताकि वो आने वाले कई सालों तक उसको झुलाते रहे। तो बहुत ही इसमें इंपॉर्टेंट इश्यूज पर चर्चा होने वाली, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे कोई चीज ऐसे आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू कर ले। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को कर लीजिए लाइक, और अच्छा लगे तो कर लीजिएगा आगे चल के सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों को करना ना भूलिएगा शेयर। दो इंपॉर्टेंट इश्यूज क्या है, देखिए तरफ जो हम बात करने वाले हैं, रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसीज 2023-24 की अपडेट है वो अपडेट क्या है ये बात करेंगे, और दूसरी हम बात करने वाले हैं इस 2018-19 के जो भर्ती थी उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो स्क्रीनशॉट इंपॉर्टेंट है, जो जो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है वो आपकी स्क्रीन पर चलते भी रहेंगे, आप उसको भी पढ़ते रहिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें वहां पर शेयर होती रहती है, जो प्रिंट की चीजें हैं वहां मिल जाएंगी आपको। इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, अगर कोई इंस्टेंट बात है, जल्दी बात करना चाहते हैं तो वहां हो जाएगी आपसे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे यहाँ पर 2023 के लिए जो आया है नया एक नोटिफिकेशन टाइप का, जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर चलता रहेगा, तो वहां पर लिखा क्या है, वहां साफ साफ जो चीजें आप देखिए, मैं ये वीडियो बना कब रहा हूं, जब इसका ना ऑपरेशन का टाइम आ चुका है, अभी भी बच्चों को डाउट आ रहा है। तो आप जानते हैं जैसे कि मैं वीडियो ना ऑन डिमांड भी बहुत सारे बनाता हूं, तो ये डिमांड आई है कि ये रेलवे के बारे में सही डिटेल क्या हो सकती है, तो उस पर मैं अपना एक व्यू दे रहा हूं, उसको जरूर सुनिए। देखिए इसमें है क्या कि जो अपडेट आप देख रहे हैं, इसमें अपडेट में साफ साफ ये लिखा गया है, लिखा क्या गया पहले वो पॉइंट्स पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए इस जो बात की गई इसमें लेवल वन के बारे में बात की गई पोस्ट में, ये लेवल वन क्या है, ये ग्रुप डी है। ठीक है, तो रेलवे की लैंग्वेज में लेवल वन कहते हैं ग्रुप डी को। ठीक है, अब बात करेंगे इसमें बहुत सारी चीजें हैं, सिकंदराबाद जोन के बारे में बात करने वाले हैं, ये सारी पोस्ट है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन, सिग्नल एंड टेलीकॉम्स पोस्ट है, 10th का नेशनल अप्रेंटिस या 10th का आईटीआई परफॉर्मेंस, और 2022-2018 और 01-2019 की कोई चीज यहाँ पर लिखी हुई है। सब क्या है बारी बारी से इसको हम लोग समझेंगे। देखिए जब हम 2023 का ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं इसको जब हम पढ़ते हैं डिटेल में, तो उसमें साफ साफ एक चीज लिखी हुई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो पुरानी भर्ती थी 2018 वाली, उसमें एक्चुअली 17 में ही प्लान हो गया था ये, कि बताया गया था कि जब हम 2018 में जो नई वैकेंसीज लाने वाले हैं उसके लिए हम क्या करने वाले हैं। 17 की बात याद है ना, अगर आप भूले ना हो तो, ये 17 का जो है मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बात बता रहा हूँ। 17 में ये बात कही गई थी, करीब ये सितंबर में बात कही गई थी कि आने वाली जो भर्ती होगी उसमें हम क्या करेंगे, 10+ आईटीआई लेंगे, तैयार हो जाइए बच्चों। ठीक है, लेकिन इसमें विरोध हो गया था। जानते क्यों विरोध हो गया, क्योंकि सितंबर में बात कही गई और फरवरी मार्च के आसपास ये जॉब आ गई थी, तो बच्चों ने कहा, यूपी बिहार में सबसे ज्यादा विरोध हुआ था इस बात का, याद होगा अगर आपको, तो भाई हम लोग कैसे 6 महीने में कौन सी डिग्री ले लेंगे आईटीआई की, ना आईटीआई की कौन सी ऐसी डिग्री है जो 6 महीने में मिली जा रही है, तो प्लीज ऐसा ना करें, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। तो एक्चुअली वहां पर ध्यान से अपने अगर देखा नहीं था तो समझिए वहां इलेक्शन का भी टाइम था, प्लस दूसरा आने वाला आम इलेक्शन भी था, जनरल इलेक्शन जिसको कहते हैं, तो गवर्नमेंट को भी ऐसा लगा था कि अगर कहीं इतनी बड़ी आबादी स्टूडेंट्स की है, कहीं गड़बड़ ना हो जाए या सोच ना बदल जाए, इसलिए उस फैसले को वापस किया गया। उस फैसले को वापस इसलिए किया गया कि बहुत बड़ी एक संख्या थी यूपी बिहार के स्टूडेंट्स की, जिसका खुलकर विरोध हो रहा था कि ऐसे ना किया जाए, आईटीआई वालों को ना लिया जाए, सिर्फ 10th मतलब आईटीआई का जो डिप्लोमा है वो ना मांगा जाए, 10th के लिए ही कर दिया जाए। तो उनकी मांग को पूरा किया गया
और 2017 18 17 वाली पोस्ट जो ये अमेंडमेंट था उसको रोक दिया गया, और 18 में जो भर्ती आई उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। लेकिन 18 और 19 वाली जो भर्ती थी आपको याद होगा, उसमें जब आई थी तो गवर्नमेंट ने साफ साफ ये लिख दिया था कि अब आने वाली किसी भी भर्ती में, बोर्ड की बात मैं कर रहा हूँ, रेलवे बोर्ड ने, भर्ती बोर्ड ने क्या कर दिया कि साफ साफ मेंशन कर दिया था कि आने टाइम पर जो भी भर्तियां होंगी उसमें हम 10+ ITI लेंगे, ठीक है। तो तब ऐसी कोई एक्सक्यूज एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। अब किन किन पोस्ट के लिए 10+ ITI रखा गया है वो चीज आप देखिए, ये जो नोटिफिकेशन निकला है वो सिकंदराबाद जोन से आया हुआ है, ठीक है। और जिन पोस्ट के बारे में बात की जा रही है वो पोस्ट है आपकी सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रीशियंस है, सिग्नल और टेलीकॉम है। इसके रिगार्डिंग अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको आपके पास ITI का डिप्लोमा होना जरूरी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो डिप्लोमा मांगा गया है ऑप्शनल चीजों में ध्यान दें तो क्या मिलता है आपको, 10th तो चाहिए चाहिए आपको, नेशनल अप्रेंटिस या 10th ITI अगर आपके पास है तो सुपर गुड है। मतलब साफ है कि अगर आपने 10th कर रखा है और आपके पास अप्रेंटिस की डिग्री भी है तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, आने वाले फॉर्म जो आएंगे, नोटिफिकेशन जो आएगा। और अगर आपने अप्रेंटिस नहीं किया है तो 10th के साथ ITI अगर आपका है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 10th बच्चे ये सोच रहे होंगे मेरे तो 12th है यार मैं क्या करूँ, तो भाई कर सकते हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात यहाँ पर आपसे की जा रही है, ठीक है। तो ये बात आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब नीचे देखिए लिखा हुआ 02/2018 एंड 01/2019, ये क्या है, ये वही नोटिफिकेशन है जो ये आपको बताता है कि इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग अब आने वाली किसी भी फॉर्म में आप जो है ITI के बगैर एंट्री नहीं ले सकते हैं। तो ये जॉब का नाम है जिस जॉब से निकली थी 02/2018 और 01/2019, क्लियर। तो ये रही आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब यहां पर इसका जिस्ट, इसका सारांश क्या निकला हुआ है, इसका सारांश भैया ये निकला हुआ है कि समझ लीजिए गवर्नमेंट ने कर दिया आपके साथ झोल, है ना, और बोर्ड ने आपको पहना दिया है, एक पकड़ा दिया झुंझुना टाइप का। क्या कि देखिए है क्या कि ITI वाली डिग्री के जो स्टूडेंट्स हैं और जो 10th के स्टूडेंट्स हैं उसमें आपस में हो जाएगी अब क्या कॉन्फ्लिक्शन। लेकिन चूंकि पहले ये पहले ही वादा किया जा चुका था इसलिए गवर्नमेंट को ये वादा निभाना भी है कि मैंने ऐसा किया है तो मैं करूंगा। अब इसमें क्या होगा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं झोल क्यों कह रहा हूँ, झुंझुना क्यों कह रहा हूँ ना, आप जानते हैं अगले साल इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन है, और जनरल इलेक्शन की वजह से गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि कोई भी विवाद हो। सो उम्मीद यही है कि जैसे ये नोटिफिकेशन आएगा कि भाई आप ITI वाले बाहर, तो पूरी उम्मीद यही कि फिर से एक वॉर छिड़ेगी जिस वॉर का नाम है ट्विटर वॉर या सोशल मीडिया वॉर, की नहीं सरकार जागो, मुझे भी दो, मुझे भी अंदर कर लो। तो इससे क्या होगा कि एक परसेप्शन क्रिएट हो जाता है कि नहीं इतने बच्चे हमारे साथ हैं, तो शायद ऐसी एक टैक्टिक्स हो सकती है बोर्ड की कि ऐसा करूंगा। लेकिन बोर्ड को, खैर बोर्ड तो बोर्ड है, बोर्ड तो बोर्ड है भाई, है ना। आइए आज की दूसरी बात पर, इंपॉर्टेंट बात पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, 2019-18-19 का जो रिजल्ट आया DV का, उसकी जरा देखिए, उसका भी सारी चीजें स्क्रीनशॉट आपका चलता रहता है तो उसको देखा करिए और टेलीग्राम पर आपको मिल भी जाएगा। तो यहाँ पर एक सबसे विचित्र बात देखने को मिली क्या है कि यहाँ पर DV डेट रिलीज कर दी गई है। क्या DV डेट रिलीज कर दी गई है? DV डेट क्या है भाई? DV डेट ये है कि जुलाई से शुरू होगी और ये आपको ले जाएंगे करीब सितंबर अक्टूबर या नवंबर दिसंबर के 2025 तक। मतलब 2000 जो रिजल्ट आया है उसका DV कब से शुरू हो रहा है? 2023 से लेकर 2025 तक, ठीक है। तो रेलवे बोर्ड देखिए कितना कछुए की चाल से यहाँ पर चल रहा है, 2023 से DV कराना शुरू करेगा और लेकर जाएगा 2025 तक। इसको चाहिए था कि 2030 तक ले जाता, है ना, दो टर्नओवर उसके गवर्नमेंट के पूरे भी हो जाते हैं यहाँ पर। सोचिए, सोचने वाली बात यह है कि कैसे बोर्ड इतना जो है स्लो हो सकता है कि एक तो भर्ती निकालता है 2018-19 में, उसके बाद दो दो तीन तीन साल एग्जाम नहीं होते। फॉर्चुनेटली कभी एग्जाम हो गया तो एग्जाम होने के बाद रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट नहीं आने के बाद तो क्या हो जाता है कि फिर ये रिजल्ट आने के बाद DV का प्रोग्राम देखिए कैसा है, 2023 से लेकर 2025 तक। कितने साल हो गए, कितने साल हो गए अंदाजा है आपको? अगर मान लीजिए 18-19 में आपने फॉर्म भरा है तो 2023-25 तक आप वेट करेंगे तो 5 इधर और 2 उधर, 7 साल का आपका करियर बर्बाद है। सैलरी गई, अगर उसी टाइम पीरियड में आप सेलेक्ट हो गए होते
तो 7 साल की सैलरी आपकी अंदाजा भी नहीं आपको कितना हो गया होता है ना। लेकिन बोर्ड है तो भाई बोर्ड है, बोर्ड को इस समय हमको लगता है कि कोई सही डायरेक्शन दे नहीं रहा है ना। या फिर वहीं पर एक बात आ जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं एक प्लानिंग के तहत ये काम किया जा रहा है। प्लानिंग के तहत इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि 2023 के बाद आने वाला है 2024, फिर से इलेक्शन की बात आएगी। तो क्या गवर्नमेंट इस बार ये कह सकती है, बोर्ड ये कह सकता है कि हम देखिए तो ये क्या कह सकती है कि देखिए हमने जो है 2023 में भी निकाला, पहली टेन्योर में निकाला, फिर ये कह सकती है हमने सेकेंड टेन्योर में निकाला, देखिए हमने निकाल दिया अपने थर्ड टेन्योर में। लेकिन टाइम पीरियड देखिए भाई, टाइम पीरियड देखिए, टाइम की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा टाइम लग गया है। 7 ईयर्स बहुत होते हैं साल की, अगर किसी की ये तो कोई एग्जाम दे लिया है तो एज एक्सेप्टेबल है, वरना एज भी ना होती है ना। अब इसका सीधा इलेक्शन से बच्चे क्यों जोड़ रहे हैं इसको, वजह क्योंकि अगर आप ध्यान दें पिछले भर्ती में जो आई थी ये वाला ये नोटिफिकेशन देखिए 2018 का, उसके रिगार्डिंग भी यही कहा गया। तो 17 में कहा गया और कि भाई 10th ITI लेंगे, लेकिन अपने जो है ऑर्डर को पलट दिया गया, ठीक है। क्यों आप जानते हैं अगले साल इलेक्शन था। फिर यहां पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि DV इतना स्लो चल रहा है, दो दो साल साल चल रहा है। आप देख पा रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आप दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो DV नहीं कराती। बहुत आप सरप्राइजिंगली आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हो भी जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर बोर्ड ये एक्सक्यूज दे सकता है कि भाई हमारे पास बच्चे ज्यादा हैं, बाकी जो बोर्ड्स हैं उनके पास बच्चे कम रहते हैं। अरे भाई आप जो है पैनल की तरह करा लीजिए, कोशिश करिए कि आपके 1-2 महीने या 6 महीने में खत्म हो जाए, लेकिन 3-3 साल चलना कहाँ की सही बात है भाई, ये बहुत गलत है। ये बोर्ड का ये जो फैसला है ना, एक तो ये भी गलत था, लेकिन ये भी बहुत गलत है कि इतना वेट कराना अच्छा नहीं है भाई। अब इतना लंबा वेट, इन अनबिलीवेबल, इतना वेट कैसे। लेकिन भाई बोर्ड है सो बोर्ड है, ठीक है। आप ये क्या राय है इस पर जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप कैसा सोचते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं और आज का तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मैंने आपको बताया, CET लागू होगा या नहीं होगा। देखिए CET लागू होने के लिए आपको पहले दो चीज कॉन्सेप्ट समझने होंगे कि अगर ITI आपने कर रखा है या आप करने जा रहे हैं, या कुछ बच्चों का होगा क्वेश्चन कि क्या ITI करना पड़ेगा क्या, तो मैं तो हमेशा सलाह देता हूं कि आपके पास आज की जैसी सिचुएशन है जॉब को लेकर, ऐसी खराब सिचुएशन पहले शायद ही रही है ना, सो इसलिए आपके पास एक टेक्निकल डिग्री होना बहुत जरूरी है। टेक्निकल डिग्री समझ रहे हैं ना, टेक्निकल डिग्री अगर होती है तो कहीं ना कहीं आप जो है सर्वाइव कर जाइएगा। एक तो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रायोरिटीज बहुत ज्यादा मिल जाती हैं आपको, प्लस प्राइवेट में भी आपको जो है ओपन मिल जाता है ना। तो अगर आप ITI कर लेते हैं तो देखिए कितना फायदा होने वाला है आपको। फायदा ही होने वाला है कि ALP जो लोको पायलट है उसके लिए विंडो खुल जाती है आपको, और टेक्नीशियन है मतलब आप 10th+ ITI है, तो 10th तो होंगे ही होंगे तभी ITI कर पा रहे हैं, तो आपके लिए विंडो कितनी खुली हुई। देखिए आपके पास ALP की विंडो खुली है, आपके लिए ग्रुप डी की विंडो तो खुली ही खुली है, उसके बाद टेक्नीशियन की विंडो भी आप पर खुल जाती है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से एक चीज समझिए तो 2014 में जो वैकेंसी आई थी उसकी 26,000 वैकेंसी थी ALP की, 2018 में ग्रुप बी की वैकेंसी आई थी, और करीब 2023 जो 2018 के बाद जो टेक्नीशियन की जो भर्ती आई थी उसमें भी करीब 37,000 पोस्ट थे, ठीक। इधर ग्रुप बी की जो भर्ती आ रही है, ग्रुप बी की पिछली बार भर्ती आई थी ना याद होगा आपको, 80-85,000, फिर अभी सुनने को मैं आ रहा है कि करीब 3-3.5 लाख भर्तियां आने वाली हैं ग्रुप डी की। तो इसका मतलब ये होगा अगर आपने ITI कर रखा है तो आप लोको पायलट बनने का आपके पास बहुत सुनहरा अवसर है, ठीक है। और बीटेक वाले जो हैं सिर्फ लोको पायलट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ITI कर रखा है तो आप टेक्नीशियन के लिए भी आगे जा सकते हैं, बाकी ग्रुप डी तो आपके हैंड्स में है ही, ठीक है। तो आइए अब इसी पॉइंट को आगे समझते हैं CET के लिए। जब हम CET की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए सिलेबस के, तो कॉमन सिलेबस से इस बार शायद थोड़ा बहुत बदलाव हो जाए, क्योंकि इस बार सुनने में आ रहा है कि शायद इंग्लिश को भी कुछ ऐड किया जा सकता है या हिंदी भी ऐड किया जा सकता है। फिलहाल जो है वो आपके सामने है कि मैथ्स है, GS है, रीजनिंग है, साइंस है, कंप्यूटर है, ये तीन करीब 4 से 5 यहाँ पर सब्जेक्ट्स हैं उनका जो है आपसे पूछा जाने वाला है, लेकिन चेंजेस में भी प्रोसीडेड की हो सकता है ऐसा किया जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज ये है कि जो जॉब्स हैं ग्रुप डी के लिए वो बनती चली जा रही है, किस फॉर्म में कि भाई आप 10th हो, अप्रेंटिस हो तो फॉर्म भर पाइएगा ग्रुप डी का भी, ग्रुप डी की बात कर रहा हूं मैं, और अगर आप 10th+ ITI हैं तो भर तो पाइएगा पाइएगा।
और अगर बीटेक है तो भर पाइएगा उसके लिए, एलपी के लिए, टेक्नीशियन के लिए वो भी नहीं है। लेकिन अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो आप तीनों जगह पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या ये वक्त से पहले भर्ती होगी, अगर होगी तो कैसे होगी और कितना समय लेगी, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में जहां आपको मिलने वाली है एक सटीक इन्फॉर्मेशन। धन्यवाद।